कल के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी का सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा। इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक करंट जो पास होता है क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट में एक्चुअली दौड़ता कौन है, तो इलेक्ट्रिक करंट में एक्चुअली कौन दौड़ता है, इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं। ये सब हम बात में करेंगे, लेकिन पहले यहाँ पे देखो, कल मैंने बोला था इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू dQ / dt, तो dQ इज इक्वल टू क्या होगा, I dt होगा। तो यहाँ पे टोटल चार्ज का इक्वेशन आता है, टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू इंस्टाग्राम ऑफ dQ, लेकिन dQ मेरे पास कितना है, I dt, कितना है dQ मेरे पास, I dt, तो dQ की जगह मैंने क्या रखा, टोटल चार्ज I dt, ओके फाइन। अब यहाँ पे मैं डिफरेंट सिचुएशन कर रहा हूँ, करंट का अलग अलग इक्वेशन बता रहा हूँ जो आपको एमसीक्यू के अंदर काम में लगेंगे। अब यहाँ पे ऐसा आपको बोला है कि एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, विथ लिनियर स्पीड अप v and the radius of the circular path, is r, okay। तो ऐसा बोला है उसने कि यहां पे पॉजिटिव चार्ज मतलब न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन r रेडियस वाले सर्कुलर पाथ के अंदर v जितनी लिनियर स्पीड से कौन सी मोशन कर रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है, ओके बहुत बढ़िया भाई। चलिए यहां पे देखो, चलो अब यहां पे मुझे इसका करंट का इक्वेशन डिराइव करना है। करंट का इक्वेशन अगर मुझे डिराइव करना है तो मेरे पास इलेक्ट्रिक करंट का मेरे पास इक्वेशन क्या है, तो भाई इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू मेरे पास क्या हुआ, Q by T। यहां पर मैंने कैपिटल T लिखा, क्यों मैंने कैपिटल T लिखा, कैपिटल T मतलब एक चक्कर पूर्ण करने के लिए लगता हुआ टाइम, मतलब एक पूरा का पूरा सर्कुलर पाथ कवर करने के लिए लगता हुआ टाइम। हाँ यहां पे देखो Q इज इक्वल टू क्या होता है, एनी, क्या होता है, Q इज इक्वल टू एनी, here only one electron we have, only one electron, so q is equal to kya hoga, e hoga, to yahan pe I is equal to, mere paas q ki jagah pe kya aaya, e by t hai, bolo mere paas electric current I is equal to kya, e by t, so maine yahan pe isko equation number 1 diya। ab mujhe ye baat batao, T मतलब टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, T मतलब क्या है, टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन, हियर कैपिटल T इज टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट वन रोटेशन, ओके। तो मुझे ये बात बताओ कि लीनियर स्पीड का इक्वेशन क्या होगा, लीनियर स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय इलेक्ट्रॉन इन यूनिट टाइम, तो v इज इक्वल, ये पूरा सर्कल घुमा तो डिस्टेंस कितना कवर होगा, एक पूर्ण चक्र पूर्ण करने के लिए एक पूरा सर्कल घुमा तो डिस्टेंस कितना कवर हुआ 2πr, कितना डिस्टेंस कवर हुआ 2πr, और उसके लिए कितना टाइम लगा t, तो अगर मैं t को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाता हूं तो ये क्या हो गया 2πr / v हो गया, तो इसको लगा दो इक्वेशन नंबर 2। समझो यहां पे मैं क्या कहना चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के आसपास आर जितने रेडियस वाले सर्कुलर पाथ में रोटेशनल मोशन करता है तो वहां भी इलेक्ट्रिक करंट फॉर्म होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट वहां पे जो फॉर्म होता है वो किस
कितना होता है, उसका इक्वेशन क्या है? तो मेरे पास आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू इज इक्वल टू क्या है एनी, ये तो आपने टेंथ में पढ़ा था। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है तो एन की जगह पे वन कर दो, एन की जगह पे आपने वन रखा तो क्यू इज इक्वल टू क्या है ई, तो आई इज इक्वल टू क्या है ई बाई टी। अब यहाँ पे टी जो है वो टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, तो लिनियर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो लिनियर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस 2 पाई r, एक पूर्ण चक्र पूर्ण करने के लिए कितना डिस्टेंस कवर किया 2 पाई r, सर्कम थ्योरम जितना और कितना टाइम में t टाइम में, तो t इज इक्वल टू 2 पाई बाय 2 पाई r बाय v। सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो i इज इक्वल e, t की जगह पे क्या आएगा 2 पाई r बाय v, तो i इज इक्वल टू e v बाय 2 पाई। बोलो बता दो I इज इक्वल क्या आया EV बाय 2 पाई r, बोलो पता चला। तो आपको कभी कभी ऐसा दिया जाता है I ढूंढना है तो आपको लीनियर स्पीड दी होगी, क्या दी होगी आपको लीनियर स्पीड, आपको लीनियर स्पीड दी होगी और आपको क्या दिया होगा रेडियस, क्या दिया होगा आपको लीनियर स्पीड है रेडियस, तो आपको इलेक्ट्रिक करंट ढूंढ सकते हो कि नहीं ढूंढ सकते हो, तो आराम से ढूंढ सकते हो। तो I इज इक्वल टू क्या आया EV अपॉन 2 पाई r, I इज इक्वल टू EV अपॉन 2 पाई r, ओके फाइन। ये करंट का इक्वेशन लीनियर स्पीड के रिलेशन में, अब यही करंट का इक्वेशन हम एंगुलर स्पीड के रिलेशन में बताया था, बट यू नो दैट लीनियर स्पीड, बट यू नो दैट लीनियर स्पीड भी इज इक्वल टू, लीनियर स्पीड भी इज इक्वल टू क्या होता है आर इंटू एंगुलर स्पीड, याद करो लीनियर स्पीड v इज इक्वल टू r ओमेगा था, हाँ तो मैं यहाँ पे i की जगह पे i इज इक्वल टू e बाय 2 पाई r इनटू v की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ r ओमेगा रख सकता हूँ, तो i इज इक्वल टू r r कट हुआ तो e ओमेगा अपन क्या हुआ 2 पाई, क्या हुआ e ओमेगा अपन 2 पाई। दूसरा इक्वेशन भी मैं बना सकता हूं इसके ऊपर से, कोई भी फॉर्मेट में आपको दिया आपको इक्वेशन बनाना आना चाहिए। आपके पास मेन इक्वेशन है i इज इक्वल टू ev अपॉन 2 पाई, आपने t इज इक्वल टू r ओमेगा रखा तो r ओमेगा रखा तो r r कट हुआ, r r कट हुआ तो e ओमेगा अपॉन 2 पाई। अब आपको फ्रीक्वेंसी में रिलेशन चाहिए, किसमें फ्रीक्वेंसी में, तो बट आपको पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई, ये तो पता ही है आपको, रोटेशन मोशन आपको पता था ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई है, तो आप ओमेगा की जगह पे आप क्या लिख सकते हो e इनटू 2 पाई f डिवाइडेड बाय 2 पाई, ये 2 पाई 2 पाई का 2a, तो i इज इक्वल टू e f। तो बोलो फ्रीक्वेंसी में इक्वेशन आ गया, इसमें इक्वेशन आ गया फ्रीक्वेंसी पे, फ्रीक्वेंसी में इक्वेशन आ गया, तो इक्वेशन नंबर क्या होगा ये 5, ओके। और आप लोगों को ये भी पता है, कि बस फ्रीक्वेंसी जो होती है f इज इक्वल टू 1/t तो i इज इक्वल टू e बाय t, बोल आ गया आप इसे देखो फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1/t, फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1/10 पीरियड, तो i इज इक्वल टू e बाय t, बोलो स्टार्टिंग यहां से किया था, जहां से स्टार्ट किया था वहां पे आके लगे ना i इज इक्वल टू e बाय t, i इज इक्वल टू e बाय t, तो यहां पे आपको फाइनल इक्वेशन मिल जाए i इज इक्वल टू। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स है, सिर्फ मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ एक कंडीशन ली, एक सिचुएशन ली कि इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस विद रेडियस r, इन रेडियस r एंड लीनियर स्पीड उसकी क्या है v है, बस ये सिचुएशन को मैंने स्टडी किया, हाँ मैंने उसका मेन इक्वेशन क्या निकाला i इज इक्वल टू ev बाय 2 पाई r, उसका एंगुलर वेलोसिटी में इक्वेशन क्या निकाला i इज इक्वल टू e ओमेगा बाय 2 पाई, उसका फ्रीक्वेंसी में इक्वेशन क्या निकाला i इज इक्वल टू ef, और उसका टाइम पीरियड का सर्कुलेशन क्या है i इज इक्वल टू e बाय t, ओके। तो ये आप लोगों को नॉर्मल सा न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व करता हुआ इलेक्ट्रॉन के करंट का इक्वेशन आपको मिल गया। अब उसके बाद
अब यहाँ पे देखो, ये एमसीक्यू के अंदर और सब्जेक्ट में बहुत काम आएगा। अब यहाँ पे देखो, सपोज कि आपको ऐसा दिया गया है, तो मान लो कि थोड़ा सा डीप में जाते हैं इसके अंदर, मान लो कि आपको एक कंडक्टर दिया, कंडक्टर मतलब क्या? कंडक्टर मतलब जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है। क्या है? जिसके पास, कल ही हमने बात की थी, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है उसको क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं। ओके फाइन, ये कंडक्टर। अब मैं आपको ऐसा बोलूं, ये जो कंडक्टर, सपोज कि मैंने ऐसा कॉपर का कंडक्टर लिया, ये जो कॉपर का कंडक्टर है, यहां पर याद रखना फ्री इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्टर के अंदर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, एंड पॉजिटिव आयंस जो है, कौन सा आयंस है? पॉजिटिव आयंस, वो फिक्स्ड है और वी कैन से स्टेशनरी है। कहां पे? ऑन द लैटाइस पॉइंट। कहां से फिक्स है? ऑन देयर लैटाइस। एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? रैंडम मोशन। अमोंग दीज आयंस। अब मेरी बात सुनो, रियलिटी में देखने जाओ, मान लो एक ऐसा समझ लो कि ये जो कॉपर का जो कंडक्टर है उसके अंदर एक पॉजिटिव आयंस ऐसे अपनी एक जगह पे लैटाइस पॉइंट पे फिक्स बैठे हुए, मान, समझ में आ रहा है मैं बोल रहा? अब आपको ये पता है कि कंडक्शन किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन की वजह से। किसकी वजह से होता है कंडक्शन? इलेक्ट्रॉन जब मोशन करता है तभी कंडक्शन बनता है कंडक्टर के अंदर। लेकिन कुछ ऐसी भी जगह है जहां पे जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पॉजिटिव आयन से भी मिलता है एंड इलेक्ट्रॉन से भी, नेगेटिव आयन से भी मिलता है। ऐसा पता है आप लोगों को कहां पे? तो आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाया आप लोगों ने? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आप लोगों को डेनियल सेल, लैग्रांजे सेल ऐसा कुछ आएगा, डेनियल सेल आएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप लोगों को डेनियल सेल आएगा, लैग्रांजे सेल आएगा, उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो, वो जो सेल है, सेल मतलब क्या होता है? जिसको बैटरी बोलते हैं, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? बैटरी बोलते हैं। वो सेल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप उसमें पढ़ोगे, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ोगे। यहाँ पे मैं आप लोगों को सिंपल साइकिल, सीआईएस कुछ आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं, लेकिन मैं सिंपल आपको समझा रहा हूँ कि सपोज क्या आपका वहां पे जो भी सेल है इसके अंदर दो ऐसे वो होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है। क्या होता है? एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है। ओके, यहाँ पे ये जिसपे इमर्ज होते हैं उसको इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल सपोज की CuSO4, क्या है सपोज की? तो CuSO4 में जब इसमें से करंट पास होता है, मतलब जब इसको पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाता है, तो यहाँ पे क्या बन जाता है? Cu+2 बन जाता है और यहाँ पे क्या बन जाता है? SO4-2 बन जाता है। बनता है कि नहीं बनता है? एक Cu+2 बनता है और एक SO4-2 बनता है। और यहाँ पे कैथोड या एनोड कोई पॉजिटिव होता है, कोई क्या होता है? नेगेटिव होता है, वो उसमें सब कुछ है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है? जो Cu+2 है वो किसकी ओर खींचा चला जाता है? नेगेटिव रॉड की ओर। और जो SO4-2 है वो किसकी ओर खींचा जाता है? पॉजिटिव रॉड की ओर। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट बहता है वो पॉजिटिव आयन की वजह से भी बहता है और नेगेटिव आयन की वजह से भी बहता है। तो ये सब कुछ किसके अंदर होता है? सेल के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? सेल के अंदर। जो लैग्रांजे और एनोड, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप लोग ये सब कुछ पढ़ोगे। लेकिन मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिक करंट, मैंने यहाँ पे आपको ऐसा बोला कि इलेक्ट्रिक करंट सिर्फ 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 इलेक्ट्रॉन से ही बहेगा, वो सिर्फ कंडक्टर के अंदर। किसके अंदर? कंडक्टर, सिर्फ कंडक्टर के। क्योंकि सेमीकंडक्टर के अंदर
इलेक्ट्रॉन से भी बहता है और होल से भी बहता है। किससे बहता है? इलेक्ट्रॉन से भी, और वो अलग सी बात है, वो हम बात नहीं करेंगे। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पॉजिटिव आयंस भी इतना काम करते हैं जितना की नेगेटिव आयंस करते हैं। तो ये आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आएगा, लैग्रैंजियन सेल, डैनियल सेल। लेकिन यहाँ पे थर्ड चैप्टर के अंदर आप लोग जब इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हो तो इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली यहाँ पे किसकी वजह से बहता है? इलेक्ट्रॉन की वजह से बहता है। किसकी वजह से बहता है? इलेक्ट्रॉन। अब यहां तो वो कैसे बहे? यहां पे ये सब इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन कर रहे हैं, कोई ऐसे भाग रहा है, कोई ऐसे भाग रहा है, कोई ऐसे भाग रहा है, रैंडम मोशन कर रहे हैं। अब ये इन लोगों को क्या ये रैंडम मोशन किया तो क्या इसमें से करंट बहेगा? मैंने कल ही आपको बोला था कि मैं अगर कॉपर वायर का टुकड़ा ऐसे ही रख दूं तो उसमें से करंट बहता नहीं है। तो ये रैंडम मोशन करते तो क्या करंट बहता है? नहीं बहता है। क्यों? क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज यहां पे जाएगा उतना पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज यहां पे होगा, कितना? लेकिन यहां पे मुझे क्या करना पड़ता है? ये जो सेल है जिसको हम बैटरी कहते हैं, बैटरी कनेक्ट करते हैं, क्या कनेक्ट करते हैं हम लोग? इसमें जो पॉजिटिव टर्मिनल है और नेगेटिव टर्मिनल, से आप लोग ये बड़े से टांगे को क्या बोलते हो? पॉजिटिव। और छोटे से टांगे को क्या बोलते हो? नेगेटिव। लेकिन रियलिटी में देखने जाओ तो वहां पे पॉजिटिव नेगेटिव जैसा कुछ होता नहीं, वहां पे पॉजिटिव नेगेटिव जैसा कुछ होता नहीं। यहाँ पे क्या होता है? ये पॉजिटिव आप जिसको बोलते हो वो हाई पोटेंशियल है। क्या है? पॉजिटिव आप जिसको बोलते हो वो क्या है? हाई पोटेंशियल है। और नेगेटिव आप जिसको बोलते हो वो क्या है? लो पोटेंशियल। आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा टेंथ में आप लोगों ने पढ़ा था, आपको ऐसा डिब्बा दिया गया था टेंथ में कि एक बकेट है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, ये उसके साथ इसको ज्वाइन किया है, ये दूसरा बकेट है, इसके अंदर भी पानी भरा हुआ है, तो वो पानी कहां से कहां जाए? तो पानी आपको वहां पे बोला गया था कि फर्स्ट बकेट में से दूसरे बकेट में पानी जाता है। क्यों? क्यों? ड्यू टू हाइट डिफरेंस। क्या बोलते हैं यहां पे उसको? हाइट डिफरेंस। तो हाइट डिफरेंस की वजह से पानी एक जगह से दूसरी जगह पे गया। अगर दोनों की हाइट सेम होती मतलब दोनों का जो पानी का कॉलम है वो दोनों की हाइट अगर सेम होती तो कोई भी पानी बहने की कोशिश करता नहीं। तो यहां पे भी वही चीज है, ये जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल मतलब क्या? मैंने आप लोगों को सेकंड चैप्टर में बोला पोटेंशियल मतलब क्या, पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या था? W बटे Q। पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या था? W बटे Q था कि नहीं था? पोटेंशियल के अंदर हम लोगों ने बोला था कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसको? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसको? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को 1 पॉइंट से अनदर पॉइंट तक ले जाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है उसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। बोला हमने सेकंड चैप्टर में बोला था यूनिट पॉजिटिव चार्ज को 1 पॉइंट से अनदर पॉइंट पे ले जाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। अब यहां पे अगर यहां पे देखा मान ले कि पॉजिटिव मतलब हाई पोटेंशियल है, ये नेगेटिव मतलब लो पोटेंशियल। मान ले यहां पे पोटेंशियल भी है, सुन यहां पे पोटेंशियल, तो यहां पे भी पोटेंशियल होगा और यहां पे लो पोटेंशियल, समझ के यहां पे जीरो है, समझ लो ये भी है यहां पे जीरो, तो सीधी बात ये भी और यहां पे भी जीरो। ये बैटरी क्या करती है? सुन अभी ना बहुत ही अच्छा सा स्टेटमेंट देने जा रहा हूं, ध्यान से समझ। बहुत सारी रेफरेंस बुक, बहुत सारी टेक्स्ट बुक के अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि बैटरी चार्ज प्रोवाइड करती है। बैटरी क्या करती है? चार्ज प्रोवाइड करती है। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। रेफरेंस बुक टेक्स्ट बुक में हर एक जगह पर ऐसा लिखा है कि बैटरी चार्ज प्रोवाइड करती है, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। रियलिटी में आप देखने जाओ
तो बैटरी चार्ज प्रोवाइड नहीं करती है, बैटरी एनर्जी प्रोवाइड करती है। बैटरी यहां से एनर्जी प्रोवाइड करती है किसको? इलेक्ट्रॉन को। कि इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाता है, क्योंकि आप यहां पे देखो मैंने स्टेटमेंट इसीलिए दिखाया कि अगर ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होगा? डब्ल्यू। या तो पोटेंशियल का यूनिट ही पता होना चाहिए, जूल पर कूलम। पोटेंशियल का यूनिट क्या है? जूल पर कूलम। तो यहां पे मैंने पोटेंशियल अप्लाई किया, मैंने यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, मैंने कुछ चार्ज को एनर्जी प्रोवाइड की एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो याद रखना बैटरी नेवर प्रोवाइड द चार्ज पार्टिकल्स, बैटरी नेवर प्रोवाइड द इलेक्ट्रॉन्स, बैटरी नेवर प्रोवाइड द पॉजिटिव चार्ज, कुछ प्रोवाइड नहीं करता। बैटरी सिर्फ क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। किसको? इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो यहां से यहां में इलेक्ट्रॉन को लेकर तो यहां पर देखो, यहां पर पोटेंशियल ये है, यहां पर पोटेंशियल जीरो है। सीधी सी बात है, पोटेंशियल में चेंज आया कि नहीं आया? पोटेंशियल में चेंज, चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या हुआ? वी माइनस जीरो इज इक्वल टू क्या हुआ? वी हुआ। वी आया कि नहीं आया? तो वी जूल जितनी एनर्जी लेके, कितनी एनर्जी लेके? वी जूल जितनी एनर्जी लेके ये इलेक्ट्रॉन, सीधी सी बात है, वी जूल जितनी एनर्जी लेके ये इलेक्ट्रॉन, सीधी सी बात है, यहां पे नेगेटिव है और यहां पे क्या पॉजिटिव है, तो सब इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। ओके, तो जब ये सब इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में एक साथ दौड़ना स्टार्ट करते हैं, जब ये सब इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में एक साथ दौड़ना स्टार्ट करते हैं, तब हमें क्या मिलता है? इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आ रहा है? ये बहुत ही अलग तरीके से समझाया हुआ है। नॉर्मली अगर आपको टेंथ के जैसे पढ़ा देता तो मैं बड़ा इलेक्ट्रिक करंट आई इज इक्वल टू बाई की, अंदर क्या हो रहा है? अभी तो अंदर की बहुत सारी बातें बाकी है, लेकिन ये पहला स्टेप मैंने बताया। पहला स्टेप क्या है कि हम जब बैटरी को सी विदाउट अप्लाइंग बैटरी, विदाउट अप्लाइंग बैटरी इलेक्ट्रॉन सब क्या करते होंगे? रैंडम मोशन ड्यू टू थर्मल टेम्परेचर की वजह से। मैंने कल आपको बताया था टेम्परेचर की वजह से वो लोगों के थर्मल काइनेटिक एनर्जी आती है, पता है ना थर्मल काइनेटिक एनर्जी? थर्मल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? थर्मल काइनेटिक एनर्जी होती है 3/2 kBT। क्या होती है थर्मल काइनेटिक एनर्जी? 3/2 kBT, where kB is equal to बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 into 10^-23 जूल पर केल्विन, 1.38 into, इसका भी यहां पे बहुत काम आएगा, 1.38 × 10^-23 जूल पर केल्विन। और T क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन में मेजर होता है। ड्यू टू दिस टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन के पास थर्मल काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं? रैंडम मोशन करते हैं। क्या करते हैं? जिसकी वजह से वो रैंडम मोशन करते हैं। लेकिन जब मैं उसको बैटरी का सप्लाई देता हूं, वी वोल्ट मैंने दिया, सी जूल पर कूलम इज नथिंग बट वोल्ट, वी वोल्ट मैंने सप्लाई दिया था, उसका मतलब क्या है? सपोज कोई ऐसा बोले अपने घर पे कितना आता है? 220 वोल्ट आता है ना अपने घर पे, अपने घर पे 220 वोल्ट है, उसका मतलब क्या होगा? 220 जूल पर कूलम, इसका मतलब क्या हुआ? एक कूलम चार्ज को मैंने कितनी एनर्जी सप्लाई दी? 220 वोल्ट। समझ में आ रहा है? सपोज कि आपके पास वो ब्लू एंड व्हाइट कलर की वो बैटरी होती है, छोटी सी 9 वोल्ट की बैटरी, 9 वोल्ट का मतलब क्या है? 9 जूल पर कूलम। तो क्या करेगा? एक कूलम चार्ज को कितनी एनर्जी प्रोवाइड करेगा? 9। तो यहां पे एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है बैटरी, एनर्जी किसको? इलेक्ट्रॉन को। क्यों? आगे बोलो, समझ में आ रहा है? हाँ, सिंपल सी बात है। और दूसरी बात, आप बोलोगे कि क्यों इलेक्ट्रॉन ही बढ़े, पॉजिटिव आयंस क्यों नहीं बढ़े? तो आप लोगों ने धमाल मूवी देखा होगा,
धमाल मूवी आप लोगों ने देखा होगा, धमाल मूवी के अंदर वो धमाल मूवी के अंदर नहीं वो चार लोग हैं, उसमें वो कौन है एक एक्टर है उसके अंदर, उसमें नहीं वो बोलता है कि चलो किन किन लोगों ने जो मुझे रेंट देगा वो आगे आएगा, तो चार लोग खड़े हैं, चार लोग खड़े हैं, हाँ हमने ऐसा बोला कि जिसको रेंट देना है वो आगे आए, लेकिन तीन लोग पीछे चले जाएंगे तो एक एक बंदा क्या लगेगा अपने को, आगे लगेगा कि नहीं लगेगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे चले जाते, इलेक्ट्रॉन ऐसे चले जाए तो पॉजिटिव एंड तो हमको ऐसे लगेंगे, रियलिटी में पॉजिटिव एंड अपना पोजिशन चेंज करते नहीं है।